सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और इस एपिसोड में कुछ बड़े ही जबरदस्त गाने आप तक पहुंचेंगे, और ये गाने जो हैं वो हैं डॉक्टर केजे यसुदास के। जी हाँ, कट्टासरी जोसेफ यसुदास जी, जिनकी आवाज़ इतनी मखमली और मुझे तो लगता है सबसे मुख्तलिफ आवाज़ों में से एक आवाज़ है। इनका जन्म हुआ 10 जनवरी सन 1940 में, और यसुदास साहब के जीवन में बड़े अजब उतार चढ़ाव भी रहे, और किस तरह से इनका संगीत का प्रशिक्षण हुआ, इनका परिवार का माहौल किस तरह का था, और हिंदी फिल्मों के लिए बड़े गाने इन्होंने गाए, और अधिकतर गाने जो हैं वो रविंद्र जैन साहब के म्यूज़िक डायरेक्शन में गाए हैं, और हर गाने से इन्होंने बताया है कि भाई इनकी आवाज़ जो है बड़ी निराली है, और इन्हें बहुत बड़ी देन है, और उस टैलेंट का इन्होंने भरपूर लाभ जो है हम सुनने वालों को दिया है। और ये तमाम गाने, ये तो आप जानते ही हैं कि सारेगामा कारवां जो कि 5,000 गानों का नायाब तोहफा है, उनमें से मैं चुन के लाया हूँ। तो पहले ज़रा यसुदास साहब की मधुर आवाज़ का हम आनंद उठाते हैं, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी के कुछ बड़े निराले किस्से और कुछ बड़े अनोखे आयाम जिनके ऊपर कभी कभी ज़रा कम नज़र डाली जाती है, उसके ऊपर भी हम नज़र डालें, है ना। और ये गाने जरा इनका लुत्फ उठाएं, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म, रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक दूर फैला है। दावते इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हसी पे फिदा। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है मोहब्बत, बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है, ये बस नाम ही नाम की चीज है, काम की चीज है मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत से इतना खफा होने वाले, चला आज तुझको मोहब्बत सिखा दे। तेरा दिल जो बरसों से
में बसा दे, मेरा मशवरा काम की चीज है, काम की चीज है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है, ये बेकार बेदाम की चीज है। तेरा सादा चंद्रमा जू आधा आधा जवानी, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। अपना बनाने को पंच करे देखो तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जू आधा आधा जवारे, आधा जवारे। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की जबारे, दिल की
की जबार गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जुआदा आधा जवारे। ये है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और केजे यशुदास के गाने जो हैं वो हम आज इस एपिसोड में सुन रहे हैं। देखिए साहब, यशुदास साहब के जीवन पे अगर हम नज़र डालें तो इनका जन्म हुआ कोची में, जो कि उस ज़माने में कोची का जो राजघराना था वो उसके अंदर आता था। और इनका जन्म हुआ था एक कैथलिक क्रिश्चियन परिवार में। इनके जो पिताजी रहे वो रहे ऑगस्टीन जोसेफ और इनकी माताजी रहीं एलिजाबेथ जोसेफ। और ये बात कहीं छिपी नहीं है कि इनके परिवार में बड़ा कलाकारी वाला माहौल था, संगीतमय माहौल था। इनके वालिद साहब मलयालम क्लासिकल म्यूजिशियन थे और रंगमंच पे अभिनय किया करते, है ना। तो इस तरह से यशुदास साहब के पहले गुरु जो हुए वो इनके फादर ही हुए, इनके वालिद हुए। और चूँकि ये अपने परिवार में पाँच भाई बहनों में सबसे बड़े थे तो इनके ऊपर और भी गहरा असर आया। और पर पढ़ाई से इनको ये नहीं कहा गया कि आप पढ़ाई छोड़ दें, आप काम करते रहें, मतलब आप अपनी शिक्षा जो है पूरी करें और संगीत के क्षेत्र में ही करें, है ना। तो इसलिए इन्हें फिर एकेडमिक म्यूज़िक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, RLB म्यूज़िक एकेडमी में, हाँ, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई ठीक से इन्हें संगीत सिखाया जाए। उसके बाद स्वाति थिरुनल कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में भी ये पहुँचे। तो आप समझ लीजिए कि साहब कर्नाटक संगीत के अंदर पूरी तरह से ये रच बस गए और संगीत जो कहीं इनके अंदर छिपा हुआ था वो बाहर आने लगा। अब देखिए कि एक तो होता है कि भाई पता नहीं होना कि भाई ज़िंदगी में क्या करना है, पर यशुदास साहब को मालूम था, उनके परिवार को पता था और उसी तरह से उसी दिशा में फिर शिक्षा हुई कि भाई आपको पढ़ाई लिखाई भी करनी है तो संगीत की करनी है ना। और बिल्कुल सही तरीके से विधिवत प्रशिक्षण जिसे कहते हैं उस तरह से होना, तो यही इसी तरह से भरी चमक कर आए। अच्छा, यशुदास साहब की ज़िंदगी में और भी कुछ बड़े अनोखे लम्हे रहे हैं, अनोखी बातें रही हैं, वो आपके साथ मैं बांटूंगा। और एक लेजेंड के बारे में बात करते वक्त ये तो ये लगता ही है कि साहब जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन एक कलाकार इतना महान है कि इनकी जो गाने हैं उनका लुत्फ नहीं उठाया तो बात पूरी तरह से बनेगी नहीं, अधूरी रह जाएगी। तो इनके गाने जरा हम सुनते हैं, फिर आगे की किस्सा गोई सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
जहां पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहां पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। सनी पापा मा रेगा सनी सग पामा पा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, जब कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। माना हो तुम बेहद हसी, माना हो तुम बे
कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज के इस एपिसोड में केजे यशुदास, पद्म विभूषण यशुदास साहब के गाने जो हैं वो हम सुन रहे हैं। देखिए, इन्होंने जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और मलयालम में बहुत इन्होंने गाने गाए, और सिर्फ मलयालम में नहीं और भी अलग दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी और उत्तरी भाषाओं में भी इन्होंने गाने गाए। पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें ब्रेक मिला तकरीबन 70 की दहाई की शुरुआत में। इनकी पहली फिल्म रही वो रही जय जवान जय किसान, ये सन 1971 की फिल्म थी। लेकिन फिल्म छोटी सी बात जो रही वो पहले रिलीज़ हुई, इस तरह से वो पहली फिल्म मानेगी, पहली रिलीज्ड फिल्म मानेगी। और इन्होंने कमाल के लोगों के लिए गाने गाए साहब, है ना, जितेंद्र साहब के, अमोल पालेकर, और अमोल पालेकर साहब फिर फिल्माए गाने तो कोई भूल ही नहीं सकता। और रविंद्र जैन साहब रहे कि बप्पी लहरी, या फिर बप्पी दा के साथ साथ खयाम साहब, या फिर सलिल चौधरी, बड़े दिग्गज संगीतकारों के साथ इन्होंने काम किया। और इनकी आवाज़ जो कि बहुत हटके थी उस ज़माने में, जो भी प्लेबैक सिंगर से जो कि हिंदी फिल्मों में गा रहे थे उन सबसे हटके इनकी आवाज़ थी, और आवाज़ में अजब मधुरता, मतलब आप इनके गाना सुने तो आप एक बार सुने नहीं रह सकते, आपको मन करता है कि दोबारा इसको सुना जाए, बार बार सुना जाए। और यही वजह है कि इन्हें तकरीबन 8 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। ये अपने आप में कीर्तिमान है दरअसल। और यशोदा साहब ने ये बात सही है कि हिंदी फिल्मों में दक्षिण भारतीय फिल्मों के मुकाबले ज़रा कम काम किया है, लेकिन जो भी काम किया बड़ा गाढ़ा काम किया है, ऐसा काम जो अमर काम है जिसे आप भुला नहीं सकते, है ना। तो यही एक कलाकार की महानता होती है कि जहाँ भी जाए भले एक सुर छेड़े, लोग कहेंगे क्या ये स्वर जो है वो छेड़ा है, वो लोगों के दिलों में घर कर जाती है वो बात। ये यशोदा साहब के साथ रही। और ये तमाम गाने जो हैं वो मैं सारे गामा कारवां की 5000 गानों का नायाब तोहफा उनमें से चुन के लाया हूँ, तो इन चुनिंदा गानों का ज़रा हम लो तो उठाएं, फिर आगे यशोदा साहब की जिंदगी के बारे में कुछ और बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन दिलों की दूरी ऐसी काहे मजबूरी दिल दिल से मिलने दे हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन को जरा डलने दे तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी काहे मजबूरी दिल दिल से मिलने दे हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन को जरा ढलने दे यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिर समझू मैं तेरी राधे जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे सुन जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं
छेड़ेंगे कभी ना तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं ना कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी ना तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं ना कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन, मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा I hope you are enjoying the show. इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहां से आए बदराहो, घुलता जाए कजरा।
उतरे मेघ ही कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप, और आज के इस एपिसोड में यशोदा साहब के गाने चल रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव, और यशोदा साहब की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी बातें मैंने आपके साथ बांटी हैं। लेकिन देखिए क्या है कि कुछ किस्से जो हैं वो ना रोंगटे खड़े कर देते। हाँ, ऐसा ही यशोदा साहब के जीवन में भी हुआ। ये बात इनकी गायकी से ज़रा हटके है, पर इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। बात दरअसल उस वक्त की है, साल रहा कुछ सन 1971, और 71 का अंत का ही पीरियड था, दिसंबर का। और इत्तफाकन जिसे कहते हैं ना कि आप बस एक डिसीजन ले लेते हैं, तो यशोदा साहब जो हैं उन्होंने एक फ़्लाइट की टिकट्स बुक करवाई थी, और मन था ही कि हम जाएंगे फ़्लाइट में ही जाएंगे, और इन्हें जाना था। और फ़्लाइट की और डिटेल्स भी हैं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। मतलब मुद्दे की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी त्रासदी घट गई साहब। वो फ़्लाइट जो है उसका वो क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हुआ, और बहुत लोग जो हैं उसमें ख़त्म हो गए। अब किस्मत की बात ये रही कि यशोदा साहब ने आखिरी मौके पर वो फ़्लाइट टिकट जो है वो कैंसिल कर दी। हाँ हाँ, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मन में कोई बात आई होगी, नहीं ये गए वहाँ, फ़्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी। और एक परिवार ऐसा था जो फ़्लाइट से नहीं जाने वाला था, पर वो फ़्लाइट की टिकट्स की ट्राई कर रहा था किसी तरह टिकट्स बुक हो जाएं। और चूंकि यशोदा साहब ने कैंसिल करी थी तो वो टिकट्स उस परिवार को, तो फिर वो परिवार जो है उस त्रासदी का उसने सामना किया, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो उड़ ही नहीं पाई, वो तो पहाड़ों में फंस गई और टकरा गई। तो ये एक बात रही कि सन 1971 का वो भयानक हादसा, जिसका बहुत खेद होता है, दुख होता है कि जिसके ऊपर भी बीती बहुत बुरी बीती, पर यशोदा साहब ने आखिरी मौके पर वो टिकट कैंसिल करी और इनका जीवन जो है वो बच गया। ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त बातें रही हैं यशोदा साहब के जीवन में, और एक बात तो रविंद्र जैन साहब से जुड़ी भी है, आपके साथ बांटूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र जैन साहब के साथ काफ़ी काम इन्होंने किया, तो उनका बताया हुआ एक किस्सा है, वो मैं आपके साथ बहुत जल्द बांटने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यशोदा साहब के निभाए गाए ये गाने जो हैं, हम ज़रा इनका लुत्फ उठाएँ। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि सारेगामा कारवां, जो कि 5,000 गानों का नायाब तोहफा है, उनमें से इन गानों को मैंने चुना है। और सारेगामा कारवां जो है उसे इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है साहब। हाँ, उसे आप चार्ज करें और अपनी गाड़ी में भी आप चार्ज कर सकते हैं, अपने साथ आप जहाँ चाहें उसे लेके जा सकते हैं। तो ये एक बात जहन में और रह गई, तो ये भी आपके साथ बांट ली है। बाकी आगे की किस्सा कोई आपके साथ ज़रूर बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। टुकड़े
भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी मृत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मारा दिल के मालिक को कर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले Thank you.
सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ए, सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। आज से पहले यह है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और यशोदा साहब, पद्म विभूषण यशोदा साहब के गाने जो हैं वो हम सुन रहे हैं। और अधिकतर जो है दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए, दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए यशोदा साहब ने गाना गाया, डिवोशनल भी गाया और हर तरह का संगीत जो है उसमें इन्हें महारत हासिल है। तो पर जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए तब खयाम साहब हुए या बपी लहरी साहब हुए, इनके लिए तो गाने गाए, पर बड़ी खासी मकबूलियत जो है वो रविंद्र जैन साहब के संगीत के साथ भी मिली। रविंद्र जैन साहब के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो देख नहीं सकते थे और उन्होंने जो है वो यशोदा साहब की जब आवाज़ सुनी और बहुत इनका काम बहुत चला तो एक ही बात कही। आप सोचिए कितनी भावों को कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। रविंद्र जैन साहब ने कहा कि देखिए मैं संगीत देता हूँ, मैं गाने लिखता भी हूँ और यशोदास के साथ बड़ा गहरा काम हुआ है, मैं देख नहीं सकता हूँ, पर यदि कभी मुझे आँखें मिलें, यदि मेरी आँखें ठीक हो जाएं, तो वो पहला शख्स होगा जिसे मैं देखना चाहूँगा वो होंगे यशोदास। इनकी आवाज़ में वो मिठास है, ये गहरा रिश्ता, ये इतना सम्मान एक दूसरे के प्रति था और भावनात्मक सम्मान भी रहा। ऐसी बातें जो हैं वो वाकई आपको बहुत जज्बाती कर देती हैं। अब ये बात सामने आई और ये गाने भी जो हैं वो भी इसी तरह का काम करते हैं ना, ये आपको जज्बातों के शहर में घुमाते हैं, कभी रुलाते हैं कभी हंसाते हैं, पर साथ साथ चलते हैं आपके। तो इन्हीं गानों का कारवां जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और जल्द मुलाकात होती है आपसे सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सर का वो सरताज। ओ चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा हो, सागर सागर मोती मिलते, पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा,
नहीं भूलेगा मेरी जान, ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ कजरा रे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा, हो किनारा। नहीं भूलेगा मेरी जान, ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान, ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा, हो आवारा। नहीं भूलेगा मेरी जान, ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा।
पामा पारी गाधा पागा मगरे धनी का रेगा गामा तुझो मेरे सुर में नाले संग गाले तो जिंदगी हो जाए सफल तुझो मेरे सुर में। का करूं
सांझ ढली रे समय ने ली अंगड़ाई ये जग सारा नींद से हारा मोहे नींद नाई हो मैं घबराऊं डर डर जाऊं कैसा लगा आपको ये शो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।